अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लिंक कुछ पॉइंट से हजार लैंग्वेज सीख लेता है और उसे मिस डुआन की बातें समझ में आने लगती है। मिस डुआन फ़ोन में बात कर रही होती है और वो बोलती है कि मैं स्कूल में घुस गई हूँ, ये कुछ समय की बात है, जब मुझे मौका मिलेगा मैं बेसिन को मार डालूंगी, उससे पहले मैं अपने पापा के मरने का बदला लूंगी। मैं समझ गई मास्टर, मैं ये मिशन कंप्लीट करूंगी मिट के नाम के लिए। फिर मिस डुआन लिंक को बोलता है मुझे माफ़ करना तुम्हें इतना इंतजार करने के लिए। लिन उसे कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ उसे घूर रहा होता है। ये देखकर मिस डुआन अपने मन में बोलती है अजीब है, इसका एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो समझ गया मेरे बातों को। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ लोग ही ग्रीक को बोल पाते हैं, ये तो सही में समझ नहीं पाया होगा। फिर उसे एक पेपर देते हुए बोलती है अब ज़्यादा इंतज़ार करे बिना अब शुरू करो इसे, ये रहा 200 वर्ड जो मैं चुनी हूँ, उसके नीचे सही मतलब लिख देना, अगर तुम एक भी गलती की है तो तुम्हें मेरा कोर्स लेना पड़ेगा। लिन बोलता है अगर मैंने सारा जवाब सही दिया तो मैं आपको किस करूँगा एक बार, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मिस डुआन बोलती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो अपना टेस्ट रिस्टार्ट कर देता है। डुआन उसके आंसर को देखती है और बहुत ही कांपने लग जाती है और अपने मन में बोलती है इसने सारा जवाब सही दिया है, ये कैसे हो सकता है। लिन बोलता है तो कैसा है, मैं सही में झूठ नहीं बोल रहा था, अब मुझे कोई ट्विटर की ज़रूरत नहीं है, सही कहा ना मैंने। मिस डुआन बोलती है अच्छा तुम एकदम सही हो, गुड वेरी गुड, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ही योग्य हो, मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए ट्विटरिंग के लिए। लिन बोलता है फिर मिस डुआन घबराते हुए बोलती है फिर क्या। लिन बोलता है मेरा इनाम तो आपको किस करना है ना, हम लोगों ने इस बात पर एग्री किया था। मिस डुआन बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ इसलिए मैंने इस बात पर एग्री किया था जिससे तुम्हें प्रोत्साहन मिले, मैं मजाक कर रही थी। लिन बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह हमारा डील हुआ था। मिस डुआन घबराते हुए बोलती है मैं तुम्हारी टीचर हूँ। लिन बोलता है आपको तो इस प्रॉमिस पर कायम रहना चाहिए क्योंकि आप तो हमारी टीचर हैं। मिस डुआन खड़ी हो जाती है और बोलती है अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं बहुत ही गुस्से में आ जाऊंगी, अगर तुम्हें और कुछ और नहीं करना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर लिन उसका हाथ पकड़कर सोफे में लटा देता है और बोलता है मुझे तुम्हें किस करना ही होगा। फिर वो उसके गाल में किस कर देता है। मिस डुआन गुस्से से अपने मन में बोलती है ये फिर से वही चीज़ कर रहा है, मैं सही में इसे मार डालूंगी, इसका ताकत अगली बार की तरह है, ये कभी ना इतना ताकत कहाँ से लाता है। लिन बोलता है मिस डुआन मेरी बातें ध्यान से सुनिए, क्या आपको विश्वास है पहले पैर में, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि आप भी वही हो, मैं दूसरी तरह बोलूँ तो मैं आपके पैर में गिर गया हूँ जब से मैंने आपको पहली बार देखा, मुझे माफ़ करिएगा मैं इस तरह का व्यवहार किया क्योंकि मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ, आज के मेरे बिहेवियर के बारे में मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं इसे फिर से वापस नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे हेट मत करिएगा। डुआन अपने मन में सोचती है ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, धरती रही मुझे ऐसा करते ही रहना होगा, इस एज में ऐसा नॉर्मल बात है, मैं समझ सकती हूँ, मैं इन्हें अपना असली रूप नहीं दिखा सकती हूँ, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। डुआन लिन को बोलती है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी टीचर रहूँगी और मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी भी रिलेशन में नहीं रहूँगी, आज जो हुआ मैं तुम्हें जाने देती हूँ, तुम अभी जा सकते हो यहाँ से। फिर वो वहाँ से चला जाता है। मिस डुआन अपने मन में बोलती है मैं सोची थी कि मैं उसे ट्यूशन पढ़ाऊंगी तो मेरे पास उसे मारने का बहुत ही समय होगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा मुझे पता ही नहीं था, ये पानी भी नहीं पिया जो मैंने बनाया था, ये कमीना बहुत ही सतर्क है, ये मैंने जो भेष बदला है वो मुझे कभी पहचान ही नहीं पाएगा, प्लान के हिसाब से कुछ नहीं गया आज, धरते रखिए। और फिर वो बोतल फेंक देती है और वो सीधा जाकर दीवार में टकरा जाता है और उसमें से सारा पानी उस कैक्टस में चला जाता है, कुछ देर के बाद वो कैक्टस पिघलने लग जाते हैं। लिंक पीछे मुड़कर देखता है, डुआन अपने मन में बोल रही होगी इसे पता चल गया क्या। फिर डुआन हाथ हिलाती है, फिर लिन भी हाथ हिलाकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में बोलता है मैंने इसका अभी डेंजरस साइड देखा नहीं है, मुझे इसके लिए तैयार होना चाहिए, इससे भी बुरा हो सकता है, हालांकि मैंने उसका इंटेंशन पढ़ा नहीं है, लेकिन आज का मिशन तो कंप्लीट हो गया मेरा, अभी मेरा हालत बहुत ही बेकार हो गया, मुझे उससे बहुत ही दूर रहना चाहिए, अभी वो बहुत ही अच्छी बन रही है, यही मेरा समय है उससे दूर रहने का, वो मुझसे बदला लेगी मुझे मारकर। मिस डुआन एक असैसिन है, वो भी मिथ ग्रुप से, और वो बेसिन को मारना चाहती है, मैंने बे से वादा किया है कि मैं बेसिन को बचाऊंगा,
वो भी उस एसेसिन को मारकर। लेकिन धत तेरे की बेसिन तो उसमें से ना एक ब्यूटी में से एक है, मैं किसी को भी मरने नहीं दे सकता। फिर वो चिल्लाकर बोलता है अब मैं क्या करूं। फिर चलते चलते लिंक सिक्योरिटी ऑफिस में आ जाता है। भी बोलती है तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तुम आज स्कूल से बहुत ही देर से आए हो। सही बात है, तुम इतना देर से कहाँ से आए हो। लिन बोलता है ओह मैं ऑफिस में आ गया। भी बोलती है वो बहुत ही सुंदर है, तुम उसके घर तक पीछा किए हो ना। लिन बोलता है ओह तुम्हें तो पता ही है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। भी बोलती है क्या तुम उसके साथ कुछ गलत किया हो क्या। लिन बोलता है नहीं मैं बहुत ही शरीफ लड़का हूँ। भी बोलती है लेकिन तुम बहुत ही थड़की हो, तुमने मेरे साथ जो किया है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। फिर लिन बोलता है ठीक है मैं घर जा रहा हूँ फिर बाय। भी बोलती है क्या तुम्हें मीत के बारे में कुछ पता चला, वो लोग सिटी में आ गए हैं लेकिन अभी तक वो लोग कुछ कर नहीं रहे, क्या तुमने कुछ अजीब सा नोटिस किया है। लिन घबराते हुए बोलते हैं नहीं उतना स्पेशल नहीं, इसी के पास कोई लोग तो आया नहीं अभी तक। फिर वो वहाँ से घर चल जाता है और लिन क्वान को बोलता है कल हमारा टेस्ट का रिजल्ट है, मिस्टर टियान हमें अपनाएंगे नहीं जब तक मैं टॉप 50 में नाम ना ले आऊँ। लेकिन तुम्हें टॉप 50 में आने के लिए तुम्हें 600 स्कोर करना पड़ेगा, तुम श्योर हो तुम ये कर पाओगे। लिन बोलता है मैं बोला तो मैं सीरियस होता हूँ तो मैं नंबर 1 में आऊँगा, विश्वास करो मैं कर सकता हूँ। क्वान बोलती है ठीक है बहुत ही रात हो गया हमें सोना चाहिए, गुड लक तुम्हारे एग्जाम के लिए। फिर अगले दिन सर आकर बोलता है मैथ का टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, इस मंथ का मैथ का टेस्ट बहुत ही हार्ड था, बेसिन सबसे हाई से स्कोर किया 150 में 127। जो लोग खराब मार्क्स लाए हैं मैं उन्हें कुछ बोलूँगा नहीं, हमारे क्लास में सिर्फ 10 ही लोग 100 मार्क्स लाए हैं। क्लास प्रेसिडेंट जाओजिन बाई 107 पॉइंट, लिनफेंग 150 पॉइंट और लिनफेंग 124 पॉइंट। हाँ तुम लोगों ने सही सुना, लिनफेंग ने 2 टेस्ट दिया है और क्वान का टेस्ट पेपर गुम हो गया। लिन क्वान को बोलता है क्वान, फिर उसी समय सर चिल्लाकर बोलता है लिनफेंग मैं तुम्हारा मैथ टीचर हूँ और मुझे तुम्हारा लेवल पूरी तरह पता है, ये टेस्ट बहुत ही हार्ड था और तुम्हें 124 और 150 ये हो ही नहीं सकता कि तुमने ये किया हो। अगर हैंडराइटिंग देखो तो 124 पॉइंट क्वान को मिला है और 150 पॉइंट तुम्हें, और मैं पूरी तरह बोल सकता हूँ कि क्वान ने ये तुम्हारे लिए टेस्ट दिया। तुम्हारी हरकत से स्कूल का रेपुटेशन बहुत ही ख़राब हो जाएगा, स्कूल के रूल के हिसाब से देखो तो तुम दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि टियान क्वान का अच्छा यहाँ का कॉन्टैक्ट है और उसका ग्रेड भी बहुत अच्छा है, तो टीचर तुम्हें मौका देगा एक्सप्लेन करने के लिए, तुम दोनों जाकर डिसाइबल ऑफिस में जाओ अभी के अभी। फिर वो दोनों ऑफिस में जाने लगते हैं। लिन क्वान को बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था ना तुम मुझ पर विश्वास करो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, अब तुम भी इस पर जिम्मेदार हो गई। क्वान बोलती मुझे माफ़ कर दो लिन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती हूँ। लिन बोलता है चिंता मत करो मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में बहुत ही चिंता कर रही हो और आंटी भी यही चिंता कर रही थी मेरे बारे में, मैं अंदर जाने से पहले तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ, शांत हो जाओ मैंने चीटिंग नहीं किया और मैं चीटिंग के बारे में भी नहीं सोचा था।